बुढ़िया आती होगी, चलो खाना बना देती हूँ। ओहो, घर में तो आटा ही नहीं है। चावल है लेकिन इतने ही है। चलो बुढ़िया के लिए बना देती हूँ। माँ, ओ माँ, आज मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो, आज खेल खेल के मैं बहुत थक गई। बेटा तू हाथ में धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा दूँ। ठीक है माँ। ले बेटा ये खा ले। अरे वाह माँ, दाल चावल बना है तो दाल कहाँ है माँ? अरे बेटा अभी तू ये खा ले, फिर तेरे बापू आएंगे ना तब मैं कुछ अच्छा बना दूंगी, ठीक है? माँ ये मेरे गले में भी नहीं उतर रहा है, मैं इसको कैसे खाऊं? बेटा तू एक काम कर, तू पानी पीते जा और फिर खा, इससे तेरे गले भी उतर जाएगा और तेरा पेट भी भर जाएगा, ठीक है? माँ मेरा खाना हो गया, अब मैं खेलने जा रही हूँ। हाँ बेटा जा, लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है। अब मैं गुड़िया के बापू को क्या खिलाऊंगी? मम्मा मुझे भूख लग रही है, खाना ले आओ। हाँ बेटा मैं अभी लाई, आप हैंड वॉश कर लो। मम्मा ये कैसा खाना है, इसमें तो कुछ टेस्ट ही नहीं है। क्यों बेटा क्या बुराई है इस खाने में? मम्मा मुझे ये नहीं खाना, ले जाओ इसे, मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। इस खाने को मैं क्या करूं, इसे फेंक तो नहीं सकती, एक काम करती हूं। कुछ नहीं बहन, सुबह से काम की तलाश में यहाँ पे बैठा हूँ, अगर कोई काम मिलेगा तभी मैं खाना खरीद पाऊंगा। भैया ये कुछ खाना है, ये आप रखिए। और ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल करना और इस पते पर आ जाना, आपको काम पक्का मिल जाएगा। शुक्रिया बहन जी, अगर आपकी जैसी सोच सबकी हो जाए तो हम जैसे गरीब को भूखा ना सोना पड़ेगा। धन्यवाद बहन। आज पहली बार किसी जरूरतमंद की मदद करने के बाद इतनी खुशी मिल रही है। गुड़िया की माँ, ओ गुड़िया की माँ, सुनती हो? क्या हुआ? क्यों शोर मचाया है? अरे तू बैठ तो सही। हाँ, क्या हुआ? आज मुझे एक मैडम जी मिले थे, उन्होंने मुझे ये खाना दिया और हाँ साथ में मुझे ये काम भी दिया। सब माता रानी की कृपा है। अरे वाह इतना सारा खाना, आज तो मैं भरपेट खाना खाऊंगी। हम सब की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वह है भूख। जी हाँ, हम दिन और रात मेहनत करते हैं ताकि हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उन्हें एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन सही पहचान और जानकारी के अभाव से वे कुछ काम नहीं कर पाते और उन्हें अंत में भीख मांगने या भूखा रहने की नौबत आती है। इस कहानी के जरिए हम आपको यह कहना चाहते हैं कि प्लीज़ कभी भी खाने को बर्बाद ना करें।
उस खाने को किसी जरूरतमंद को दे दे और किसी की इस तरह मदद करे कि उन्हें कभी किसी के सामने भीख मांगने या भूखा रहने की नौबत ना आए, वो खुद मेहनत करके कमा सके। ऐसा करने के बाद आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी बाकी खुशियों से परे होगी।